योर मेंटोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास जो होने वाली है, ये क्लास माया की होने वाली है। और बेसिकली माया में क्या है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने आप नए मॉडल्स बनाओगे, उतनी ही आपका हाथ साफ होता जाएगा और उतनी ही आप डिटेल में काम करोगे, उतनी ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। ठीक, तो हम आज देख लेते हैं कि मैं आज क्या बनाने वाला हूँ। तो मैं आपको रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ पहले कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। मेरे पास एक रेफरेंस है जो मैंने नेट से डाउनलोड किया है। ठीक, अब अगर हम इस घर को देखें तो यहाँ पे इन्होंने लाइट्स हैं, ठीक है, और मे बी इसका जो फ्रंट हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, ये शायद हो सकता है ये फ्रंट हो इसका। ठीक, कैटोजेनिक डाइट आगे लिखा हुआ है और ऊपर सेलिब्रेट। ठीक, मे बी शायद ये फ्रंट है इसका। और अगर हम आगे देखें और ये फ्रंट है, फाइन, और जो इसका बैक है, मे बी शायद मुझे ये लग रहा है कि ये इसका बैक है। ठीक, अब अगर मैं इसको डिज़ाइन करूँगा तो कैसे करूँगा? सबसे पहले हम रेफरेंस को देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे एक क्यूब यहाँ पे दे रहा है, एक क्यूब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक क्यूब यहाँ पे दे रखा है और एक क्यूब ये है और इन दोनों के बीच हल्का सा गैप है। फाइन, एक क्यूब मेरा ये रहा और हमारे पास एक क्यूब ये और एक क्यूब हमारे पास ये रहा। ठीक, तो इसका नाम है रेंजर 04 और इसी फाइल को मैं माया में इंपोर्ट कराता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट फ्रंट पे आया और फ्रंट पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, व्यू में, यहाँ व्यू में जाऊँगा, इमेज प्लेन, और इम्पोर्ट इमेज पे क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे आके रेंजर 04 को मैं ओपन कराता हूँ। ठीक है, ये माया में इम्पोर्ट हो चुकी है। मैं इसको स्केल करता हूँ। स्केल करने के बाद थोड़ा मैं पीछे लेके आता हूँ और इसको फिर दोबारा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि हम थोड़ा तेज़ मॉडलिंग करेंगे। ठीक, और जिन्होंने आपको वीडियोस तेज़ लग रही हो या फिर आपको कुछ टूल समझ में ना आए तो आप मेरी माया की जो प्ले लिस्ट है उसको आप शुरू से देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए मैं चैनल बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैंने क्रिएट अ न्यू लेयर पे क्लिक किया और इसको मैंने लॉक कर लिया। फाइन, इसको रीनेम भी कर सकते हैं आप, दो बार क्लिक किया और यहाँ से मैं लिखता हूँ रेफरेंस अंडरस्कोर लेयर। फाइन, ये रेफरेंस लेयर है और मैंने इसको सेव किया। ठीक, और मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार से जो मेरा व्यू पोर्ट है उसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं कि मैं इस क्यूब को बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक क्यूब लिया। ठीक, और क्यूब को थोड़ा स्केल करते हैं। फाइन, और जस्ट इस वाले फेस को पकड़ के मैं ऊपर मूव करता हूँ कुछ इतना। ठीक है, फाइन, इसके बाद एक क्यूब ये पहले ब्लॉक्स बना लेते हैं सिंपल, जिससे प्रोपोर्शन को बनाने में काफ़ी इजी रहेगा। ठीक, उसके बाद मेरे पास इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मेरे पास ये वाली शेप। ठीक, आप चाहो तो एक शेप में से सारी शेप निकाल सकते हो या फिर जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक शेप में से सारी शेप निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक, फाइन, इसके बाद क्या है कि मेरे पास ये वाली शेप। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि मैं ये वाली शेप बनाता हूँ पहले। ठीक है, तो जैसे इसको थोड़ा मैंने और थिकनेस थोड़ी और देता हूँ। ठीक है, मे बी शायद ये इतना होगा, इतना। ठीक है, और इसमें से क्या करूँगा, मैंने एक मल्टीकट डाला और ये वाला फेस पकड़ के मैंने किया इसको एक्सट्रूड शिफ्ट के साथ बाहर इतना, और इस फेस को पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया। ठीक है, तो ये वाली शेप तो हमारे पास बन गई। अब आप देखेंगे जो ये वाली शेप है, ये इसको मैंने शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया, मे बी इतना होगा, और इसको शिफ्ट के साथ मैंने एक्सट्रूड किया क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है, मे बी इतना ऊपर। फाइन, इतना ऊपर है यानी ये इसके हाफ से भी कम आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। फाइन, और इसके बाद क्या है कि इसी में से इन्होंने ये वाली शेप बाहर निकाल रखी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक जस्ट बीच में मैं एक एज डालता हूँ। फाइन, और इसको मैं करता हूँ पेवल। ठीक, मे बी फ्रैक्शन थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, 0.6 सही है। और ठीक, अब यहाँ से ये मुझे एक्सट्रूड करना है तो मैं एक एज यहाँ पे फिर से डालूंगा, जिससे मुझे एक, मैंने लिया यहाँ पे एजरिंग यूटिलिटीज और मैं डालता हूँ मल्टीकट। फाइन, मे बी कुछ इतना। ठीक, और इसको पकड़ के मैंने शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया। ठीक है, और ये वाली जो शेप है मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, जब स्मूथ करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक रफली शेप तैयार की है कुछ इस तरह। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि, और
एक बार मैच करें अगर हम, मे बी ये हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है, ये इसकी जो विड्थ है वो इससे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक, तो मे बी हम क्या करते हैं कि इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। और बाकी मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आप काम करते हो तो यूज्ड हो जाते हो, कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली और ज़्यादा आप रेफरेंस को मैच कर दोगे, ठीक है, मे बी इसका थोड़ा पा सकते हैं। अब एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक क्यूब और बाहर निकाल रखा है, ठीक है, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, तो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ठीक, मे बी, ठीक, और एक चीज़ और, हाँ, ये जो फेस है ना, ये एक्चुअली हमने गलत बना दिया, ये इतनी टक है इसके बीच में, ठीक, ये आप देखेंगे कि ये वाला जो फेस है वो उसके अंदर से गया हुआ है, तो यानी हमें ऐसा नहीं निकालना था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम, ठीक, बेसिकली अभी फिलहाल इनको डिलीट ही करते हैं, कुछ और तरीका है नहीं, ठीक, इसको डिलीट किया हमने उन सब फेसेस को, ठीक है, लाइट्स ऑन हो गई हमारी, फाइन, इन सबको डिलीट किया और ये एजेस भी निकाल देता हूँ मैं, और ये एजेस भी निकाल देता हूँ, और बाकी अभी फिलहाल इन सबको हम ब्रिज कर देते हैं, ठीक है, और मैं एक सेगमेंट डालता हूँ कुछ यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये मुझे अंदर से लेना है, और फिर इस फेस को पकड़ के मैं एक्सट्रूड करूँगा मे बी, और ठीक है, तो मैं इस फेस को पकड़ा मैंने और इसको मैंने एक्सट्रूड किया कुछ यहाँ पे, ठीक, और अगर एक बार हम पीछे से देखना चाहें तो पीछे से हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये वाली शेप बना रहा हूँ, और अगर हम पीछे से देखें इसको तो मे बी पीछे से है, फाइन, ये ठीक, पीछे का जस्ट इतना इशू नहीं है क्योंकि पीछे आगे पीछे नहीं हो रखा, तो जस्ट फाइन, ये इतना टक निकाल दी मैंने, अगर आपको कम लग रही है तो आप जस्ट क्या करो, इन वर्क इस चीज़ को पकड़ के थोड़ा पीछे कर लेते हैं, इसको थोड़ा मैंने पीछे मूव किया, ठीक, और इसको पकड़ के मैंने थोड़ा आगे किया, फाइन, मे बी इतना। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ठीक, ये जो फेस है वाला, इस फेस को मुझे निकालना है, तो एक एज मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक, और एक एज ये वाला, और एक एज वहाँ पे, तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिया, इस एज को पकड़ा और मैंने किया एज रिंग एंड स्प्लिट, एक एज आ गया, इसको पकड़ के मैंने बेवल किया, ठीक, और फ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, मे बी 0.65, ठीक, और मुझे ये कहाँ से निकालना है, एज पकड़ा मैंने, मल्टीकट लिया, मे बी शायद यहाँ से, और दोबारा मैंने लिया मल्टी कट और मैंने एक एज यहाँ डाला और इस फेस को पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया, ठीक, और इस एजेस को पकड़ के मैं थोड़ा बेवल कर लेता हूँ, ठीक है, बेवल, ठीक, जब हम स्मूथ करेंगे तो ये सही हो जाएगा। और अभी फिलहाल मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, फाइल में आया यहाँ पे और मैंने किया सेव सीन एज, और मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, इसको लिखते हैं हाउस हाउस _02, ये हमारा दूसरा घर है, इसको मैंने सेव किया, ठीक, तो अभी जो बेसिक शेप है वो उसको तैयार कर रहे हैं अभी, ये पीछे का है ये वाला, ठीक, और काफ़ी सारे रेफरेंस को देखना थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, ठीक, तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि आप कौन सा सीन बना रहे हैं, तो मे भी मैं ये वाला सीन बना रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा फ्लिप हो गया है एक्चुअली, और ठीक, मे भी ये वाला रेफरेंस बना रहे हैं, तो अगर मोटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मोटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इस रेफरेंस पे आऊँगा तो मोटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, तो ये आप देखेंगे ये जो फेस है वाला, ठीक है, काफ़ी मतलब कि इसके बाद भी ये वाला जो फेस है बाहर निकल रहा है हमारा, तो जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस फेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, ठीक, और इसको एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा मे बी साइड, ठीक, क्योंकि ये इतना बाहर निकला हुआ है, ठीक, और इसके बाद इन्होंने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड के बाद ये फाइव हमारा वो निकला हुआ है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे एक्सट्रूड, तो यहाँ करना थोड़ा मुश्किल है, तो जस्ट इन सबको भी फिलहाल डिलीट करते हैं, ठीक, और मैं क्या कर लेता हूँ कि इन एजेस को पकड़ के डिलीट करते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं ब्रिज, इसको किया ब्रिज और इसको भी पकड़ के हमने किया ब्रिज, ठीक, कुछ ऐसे। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि इस एजेस को भी हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, अब मैं एक एज यहाँ डालता हूँ कुछ इस तरह, और ठीक, फाइन,
और इस फेसिस को पकड़ के मैंने दोबारा एक्सप्लोर करूँगा शिफ्ट के साथ कुछ कितना, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक, अभी भी नहीं आई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया शिफ्ट के साथ, मे बी कितना, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स मुझे मिल गया और इसकी विड्थ और इसकी विड्थ थोड़ा सेम है वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। ये इसके ज़्यादा है, तो जस्ट इन वर्टिसेस को पकड़ के मैंने थोड़ा सा स्केल किया, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। फिर से बात, एक एज डालकर ये वाला हमारा एक क्यूब निकला है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने एक एज और डाला, मैं भी इतना, ठीक है, और जितनी थिकनेस देनी है एक एज में और देता हूँ यहाँ पे। और इन सब फेस को पकड़ के मैंने शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया है और इस फेस को पकड़ के मैंने शिफ्ट के साथ ऊपर ले लिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अभी और, मे बी अब तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी है, मैं हाइट देखूँ इसकी, तो मे बी अच्छी खासी हाइट है इसकी, तो इसको थोड़ा ऊपर और कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और देखें कि ये जो वाली हाइट है ये क्योंकि ये थोड़ी ऊपर तक है, तो इन सबको पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया शिफ्ट के साथ, ठीक। जब भी आप ऐसे घरों पे काम करते हैं तो आप साइज़ प्रोपोर्शन का बहुत सारा ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकली हुई है। आपको पहले मॉडल देखना होता है 3-4 मिनट्स की कैसे कैसे शेप बनेगी, फाइन। तो मे बी इसको इतना रखता हूँ, ठीक है, फाइन। अब मैं देख लेता हूँ कि कहीं थिकनेस ज़्यादा कम तो नहीं है, फाइन, मुझे वैसे सही लग रहा है। अब बस ये लग रहा है कि मुझे ये जो यहाँ पे जो लेंथ है ये वाली, वो लेंथ थोड़ी कम है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सब वजह सीज को पकड़ के थोड़ा मूव करता हूँ, मे बी इतनी लेंथ होगी, ठीक है, फाइन। और पिक्चर देखते हैं, ठीक। और यहाँ पे इतना गैप है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गैप हमारा थोड़ा ज़्यादा है, तो मे बी, या फिर सीधा सा तरीका क्या है कि आपने इसको पकड़ के थोड़ा मूव किया पीछे की साइड कुछ ऐसे, ठीक। और मुझे लग रहा है कि ये वाला एज खैर सही है बिल्कुल, और इस एज को भी पकड़ के थोड़ा हम मूव करते हैं इधर की साइड, ठीक। इस घर में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। हम बेसिक शेप बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाली शेप है, ठीक है। एक एज ये रहा, एक एज ये रहा, एक एज ये, एक एज ये, और बीच में जो फेस है वो एक दूसरा फेस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि मैं एक यहाँ पे एक एज डालता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, बीच में भी शायद बिल्कुल बीच में ऑलमोस्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद थोड़ी हाइट हमारी कम है, तो मैं सब चीज़ को पकड़ता हूँ थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, मे बी कुछ इतना, क्योंकि सेकेंड फ्लोर है, ठीक, मे बी, ठीक। और इसको पकड़ के मैं डिलीट करता हूँ दोबारा, ठीक। सबको सेलेक्ट किया और मैंने डाला यहाँ पे कनेक्ट, ठीक। और इसको सीधा कर लेते हैं स्केल से, इसको पकड़ के मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ और इसको मैंने किया बेवल, ठीक, बेवल कर लिया, ठीक। बेवल करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको डुप्लीकेट करूँगा, ठीक। इन दोनों को पकड़ के थोड़ा स्केल कर लेता हूँ ताकि जो गैप है वो थोड़ा कम कर सकूँ, ठीक है। और जो बीच का जो फेस है मैंने लूप में लिया और इसको मैंने डुप्लीकेट फेस किया, ठीक, फाइन, कुछ इस तरह, ठीक। अब जो ये वाली जो शेप है ना, ये वाली जो शेप है, मैं एक दूसरे फेस का बनाऊँगा जो मैंने डुप्लीकेट किया है अभी इस वाले में, ठीक। तो मैं इसको मॉडिफाई में जाके साइन पे पिवट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने इसको आइसोलेट किया, हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। जैसे अभी जैसे यहाँ पे दो एज हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट एक मैंने रिंग ली और यहाँ पे, ठीक, इसको मैंने किया बेवल, ये भी थोड़ा फ्रैक्शन और कर लेते हैं, 0.6 से 0.7 कर लेते हैं, ठीक, इतना तो होगा, मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो 0.75 कर लेते हैं, ठीक। और मैंने सब फेसेस को सेलेक्ट किया इन सब को, और मैंने किया शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक्सट्रूड कुछ जितना आपको चाहिए, मे बी इतना कर लेते हैं, ठीक, या इतना सही है, देखें अगर, फाइन। तो ये हमने शेप तैयार की है, फाइन, ये वाली कुछ ऐसे, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक गलती की हम लोगों ने कि इसमें थोड़ी थिकनेस भी है, अगर आप दें तो हम दे सकते हैं। मैंने शिप के साथ एक्सट्रूड किया दोबारा और मैं थिकनेस देता हूँ, मे बी यहाँ पे 0.1 है उनकी, ठीक है, मामला थोड़ा ख़राब हो गया यहाँ से। तो थिकनेस हमें पहले देनी चाहिए थी 0.0025, मे बी
एक अभी मामला थोड़ा ख़राब हो गया कॉर्नर से, तो जस्ट ठेकने से भी छोड़ देते हैं या फिर दे ही देते हैं। फाइन, जैसे ये है, मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, अभी जस्ट और मैंने स्टोर किया, और यहाँ से दे दें थिकनेस 0.25। ठीक है, इतनी कितनी थिकनेस दी, और इसके बाद 0.25 मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि चैनल बॉक्स में आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए कंट्रोल ई से, और यहाँ पे हिस्ट्री मैंने डिलीट कर दी, एक्सट्रूड फेस है और 0.25। ठीक, यहाँ पे एक्सट्रूड फेस डिवीज़न 1 है, ऑफसेट थिकनेस 0.1 ही रखता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो ये शेप है फेस के साथ, सब कुछ सेलेक्ट किया, इसको भी इसको भी, और इसको मैंने एक्सट्रूड फेस किया। ठीक है, इसको पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया थोड़ा सा, मैं भी कुछ इतना। ठीक, अब मैं आइसोलेट करूँगा तो मुझे ये वाली शेप यहाँ पे बनती हुई दिख गई। हम वायर फ्रेम को ऑन कर लेते हैं तो कुछ ऐसी शेप हमें बन के दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दोबारा एक एच डालता हूँ, यहाँ पे मल्टी कट से मैंने जस्ट एक ये पूरा लिया मैंने। बेसिकली पूरा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे दिखाना है, आप यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, तो मैं पूरा ही ले लेता हूँ, अभी मैंने सबको सेलेक्ट किया। ठीक है, और जस्ट अगर आप चाहो तो सिर्फ किसी को एक्सक्लूड कर सकते हो, मैंने एक्सक्लूड फेस किया। ठीक, तो मैं सबको कर रहा हूँ फिलहाल, मे भी इतना। ठीक है, तो ये वाली शेप हमारी ये बन गई। फाइन, जो रिफरेंस है उसमें ये यहाँ पे ये वाली शेप नहीं है, तो मैंने जैसे यहाँ पे ये वाली शेप भी मैंने दे दी है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी शेप आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थिकनेस को, ठीक मैंने एक्सट्रूड किया है तो कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा, और मैं इसको थिकनेस दूंगा, मैंने शिफ्ट के साथ देख लेते हैं एक बार कि एक्सट्रूड हो तो नहीं रखा, नहीं हुआ। शिफ्ट के साथ मैंने एक्सट्रूड फेस किया और थिकनेस देता हूँ 0.1 mm। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो थिकनेस और एक्सट्रूड में फ़र्क है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, भी 0.2 ही रखता हूँ उसकी वैल्यू को। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मुझे ऊपर वाली शेप बनानी है, ये वाली। ठीक, तो ये वाली शेप मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं एक्सट्रूड किया इतना और बीच में एक एच डाल के उसको स्केल कर दिया। तो जस्ट क्या करते हैं कि और एक चीज़ देखते हैं कि एक्चुअली थोड़ा स्क्वायर शेप में, तो मैं क्या करता हूँ कि अब क्या हो सकता है कि मैंने इन दोनों शेप को पकड़ा और इसको कंबाइन किया मैंने। ठीक, और मैं इस वाले फेस को पकड़ के थोड़ा मूव करता हूँ आगे की साइड, जिससे थोड़ा स्क्वायर शेप बन जाए, जिससे मेरे पास मे बी ये हो सकता है। ठीक, फाइन, और फिर क्या करा कि मैंने इस शेप को मैंने एक्सट्रूड किया, मे बी ठीक थोड़ा नीचे रखता हूँ, फूड किया मैं भी इतना। ठीक, और यहाँ पे एक मैंने एज डाला और इसको पकड़ के मैंने इस एज को पकड़ के मैंने स्केल किया। ठीक है, तो ये शेप हमारे पास आ गई है, और सेव कर लेता हूँ। और जस्ट इसको पकड़ के मैंने ऊपर किया इतना। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक एज हमारे पास ऐसा है और एक एज हमारे पास ये है। ठीक, तो जस्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कनेक्ट डाला, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको, और जस्ट फेस को सेलेक्ट किया मैंने सबको, और इसको मैंने किया एक्सट्रूड। ठीक, और यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रूड बाहर निकाल लेते हैं जितना आपको चाहिए। ठीक, अब इसके ऊपर वाली जो शेप है वो हमारे पास कुछ ऐसी शेप है, मे बी ये स्लाइडर हो सकता है, तो इसके ऊपर एक मुझे स्लाइडर क्रिएट करना है। ठीक, तो मैंने जैसे एक यहाँ पे स्लेंडर लिया है, ठीक, और ये स्लेंडर को रखता हूँ मैं इसके ऊपर, मे बी यहाँ पे जस्ट फोकस किया, थोड़ा मैंने स्केल किया, और मैंने इसको जो सेगमेंट है वो मैंने किया 10। ठीक, देखते हैं दोबारा, फाइन, थोड़ा मैंने स्केल किया और आइसोलेट करता हूँ नीचे से पकड़ के, थोड़ा स्केल करता हूँ बाहर की साइड, और ये थोड़ा ऊपर। ठीक, फाइन, और थोड़ा साइज और कम करता हूँ, मे बी इतना, और फिर मैं यहाँ पे सबको पकड़ के मैंने डाला एक कनेक्ट यहाँ पे, और जस्ट इसको मूव नहीं करूँगा मैं, इसको स्लाइड करूँगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और मैंने फेविक पकड़ा, स्लाइड का ऑप्शन आ गया कुछ इस तरह, और मैंने ये जो फेस है ये पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किए। ठीक, तो मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ बस, मे बी इतना कुछ इतना। ठीक है,
हम पोली बेवल बाद में कर लेंगे, जब हम शेप बना लेंगे सही तरीके से। तो अभी तो जैसे हम बिल्कुल बेसिक शेप बना रहे हैं। ठीक, अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे ना, कि जैसे अभी मैंने देखा कि यहाँ पे रेफरेंस में क्या गड़बड़ है, अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इतना ऊपर जाने के बाद ये वाली शेप है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप मेरी शेप में देखेंगे तो मेरी शेप में यहाँ से इतना सा गैप है बस। ठीक, तो ये हो सकता है कि जैसे अभी आप कुछ सिंपल शेप दिख रही, जो जब कर्व होगा तो कर्व थोड़ा ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, बाकी एडजस्ट अभी करेंगे हम इसको धीरे धीरे। और अगर हाइट की बात करें तो लाइक यहाँ इसके बाद इतना गैप है, मे भी इतना ही हमारे पास है, और ये और जाएगा भी ऊपर तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मेरे ख्याल से हाइट अभी तक बिल्कुल सही चल रही है हमारी। ठीक, जस्ट मुझे लग बस एक चीज़ लग रही है कि मुझे ये जो इनके बीच की जो हाइट है ये थोड़ी ज़्यादा हो रखी है, तो मैं थोड़ा इनको साइज कम करता हूँ कुछ इस तरह, मे बी फाइन। इसके बाद मैंने सेव किया। ठीक, अभी आप देखेंगे मुझे अप्रोक्स 25 मिनट हो गए इस वीडियो को स्टार्ट किए हुए, और सिर्फ अभी हमारे जो बेसिक्स है वो भी नहीं बन पाया सही तरीके से। तो माया टाइम लेता है हर चीज़ में। इसके बाद देखते हैं कि मुझे क्या बनाना है। इसी तरह मुझे नीचे वाली शेप बनानी है। अब नीचे आपको शेप बनानी है तो आप ये कर सकते हो कि आप सबसे पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं मॉडिफाई फ्रीज करता हूँ, और मॉडिफाई में जाकर सेंटर पे, और जस्ट इसको मैंने किया क्लोन शिफ्ट के साथ। ठीक, और फ्रंट में आता हूँ, इसको रखता हूँ मैं सबसे नीचे। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा। अब इन दोनों के बीच गैप देखते हैं, मेरे पास कुछ इतना गैप आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप अच्छा खासा है। ठीक, तो जस्ट मुझे इनका थोड़ा हाइट कम लग रहा है, मे बी इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा ऊपर। ठीक, और इसको डिलीट करता हूँ जस्ट, मे बी इतना शिफ्ट के साथ इसको मैं नीचे लेकर गया, और फ्रंट में आता हूँ, इसको पकड़ के मैं रखा नीचे। ठीक है, तो ये हमारी शेप कुछ इस तरह है। ठीक, अब जैसे इसके मैंने आइसोलेट किया, जो मैंने एज लिए थे शेप को बनाने के लिए वो खामा खाएँ, तो मैंने वो शिफ्ट के साथ डिलीट कर देता हूँ। ठीक फाइन, तो कुछ ऐसा है, और बाकी करेक्शन तो इसमें चलते रहेंगे। एक ट्विक तो हम धीरे धीरे इसमें करते रहेंगे। इसके बाद ये वाली शेप भी बन गई। इसके बाद हम देखते हैं और कौन सी शेप सिंपल है अभी फिलहाल। ठीक, इसके जस्ट ऊपर एक शेप इन्होंने ये वाली दी है, ठीक, मे बी ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर कुछ भी क्यूब लगा सकते हैं यहाँ पे। तो और अगर उसके बाद देखें यहाँ पे एक गेट है जस्ट, ठीक, और फाइन यहाँ पे क्यूब दिया इन्होंने, और सेम क्यूब इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, सेम क्यूब यहाँ लगा रखा है। तो जैसे इस क्यूब को तैयार करते हैं, क्यूब को कैसे तैयार करेंगे कि जैसे मैंने एक क्यूब लिया, फाइन क्यूब लिया, और उसको मैं जैसे अभी फिलहाल स्केल कर लेता हूँ थोड़ी, मैंने विड्थ भी दी, थोड़ा स्केल किया मैंने, और ठीक है, और जस्ट क्या करते हैं कि इसको थोड़ा कम, ठीक इतना। उसके बाद ये ऑफसेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक बीच में मैं एक कैश डालता हूँ, जस्ट मैंने एक कैश डाला कनेक्ट, और इस फेस को पकड़ा, इस फेस को पकड़ा, और मैंने यहाँ पे किया एक्सट्रूड फेस, और ऑफसेट कर लेता हूँ मैं भी 0.25। ठीक है, और ये दोनों एक साथ हुए तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट कुछ इतना। फिर इसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसको करता हूँ अंदर, फाइन, तो हमारी वाली शेप भी बन गई। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह, टॉप व्यू में आता हूँ और इसको अंदर लेके आता हूँ, कुछ एक मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैंने नीचे किया, फाइन, ये आ रहा है इस स्टार्टर के अंदर, तो जस्ट इसको आइसोलेट करता हूँ, इसको भी पकड़ के और इसको भी पकड़ के, ताकि मैं सही तरीके से अलाइन कर पाऊँ, और मैंने रखा इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे, मे बी इतना। ठीक, और इस दोनों बॉडीज को थोड़ा थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, मे बी इतना। ठीक, ठीक है, इतना मैंने बाहर निकाल लिया। और मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने फेस है ये थोड़े अंदर मैंने ज़्यादा कर दिए हैं, तो इनको मैंने पकड़ा और थोड़ा बाहर निकाला है मैंने कुछ इस तरह। इसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने क्लोन किया और इसको मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, मे बी ये इसके कॉर्नर्स पे बिल्कुल। ठीक, अब इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपको वो रखना है कहाँ पे, ठीक है,
और मैंने सेव किया। ठीक, और इसके बाद रेफरेंस में हम और देखते हैं। अब जैसे मैं अगर इस वाले गेट को देखूँ, ठीक, मे बी अगर आप देखेंगे ये एक गेट अंदर है, उसके बाहर एक और रेक्टेंगल है ये वाला, उसके पीछे एक क्यूब है मेरे पास, और मुझे लग रहा है कि एक और रेक्टेंगल है मे बी शायद ये वाला। तो एक ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, देन फोर्थ ये है। ठीक है, तो चार रेक्टेंगल हैं जो मुझे बनाने हैं। अब इसी शेप को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक, आप इनके, अब कार्टूनिश में मैंने आपको पहले बताया था कि शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है हमारी, एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें यहाँ पर है। ठीक, तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने शेप के साथ में, ऊपर लेके चला गया कुछ इतना। ठीक, अब ये मेरी ऊपर जाके मिल रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, यानी इससे ऊपर निकल रही है और हमारी इससे ऊपर नहीं निकल रही। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि देखो ऊपर की हाइट थोड़ी कम है और नीचे की ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ऊपर की हाइट थोड़ी कम करनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, कुछ इस तरह मे बी ये इतना आ जाए। ठीक, आप सोच रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, प्रोपोर्शन है, बाकी हम सही कर लेंगे सब कुछ। ठीक, मैंने सेव किया और उसके बाद मैं इसको भी थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, इस वाली शेप को मे बी कुछ इतना, और इसको भी थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ये कुछ ऐसे हो गया। मैं इस वाली शेप की बात करूँ जो मैंने अंदर, ये दोनों चौखट, ठीक है, अगर इसकी बात करूँ ना तो ये इसके पीछे है, अगर मैं पीछे कर रहा हूँ तो जस्ट बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो बस हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाली शेप है इन दोनों को पकड़ के हम थोड़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं, और जिससे कि हमें इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी किया। ठीक है, और मैंने एक्सट्रूड फेस एक बार और किया मैंने। ठीक, थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक, मे बी उसको एग्जैक्टली हम कॉपी करके नीचे रख देंगे। ठीक है, तो उसको मैंने फिर दोबारा, अच्छा एक चीज़ देख लेते हैं, ये शेप हमारी ख़राब हो रही है यहाँ से, तो उसको जो डिलीट करते हैं फिलहाल के लिए, और इसी को हम कॉपी करके हमने इसको नीचे रखा। ठीक, तो ऐसी गलतियाँ तो होती रहेंगी, माया है। इसको मैं थोड़ा सा इतना दिखाता हूँ। ठीक, और इसको नहीं, दोनों शेपों को, इसको भी और इसको, इसको भी मैंने डिसलेक्ट किया, इसको भी किया, सब दोनों को पकड़ के मैं थोड़ा सा, ठीक है फाइन, इतना मिल गया। इसके बाद दोबारा सेव करता हूँ मैं, और सेव करने के बाद हम बनाते हैं। ठीक, ये बन गए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्यूब है जो ऊपर रखा हुआ है, जिस थोड़ा बाहर निकला हुआ है, और एक प्लेन है जो उसके पीछे बिल्कुल क्यूब का। ठीक है, तो जस्ट क्या करते हैं कि ये सारे काम थोड़े लेंदी होते हैं ना, कि आप जस्ट देख देख के आप बनाते जाओ। ठीक है, आपको प्रोपोर्शन का ध्यान रखना होता है। ठीक, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ कि इस फेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी फेस को मैंने डुप्लीकेट फेस किया। ठीक, और इसको मैं थोड़ा आगे निकाला और इसी फेस को मैंने सेंटर पिवट कर लिया। ठीक, थोड़ा सा मैंने साइज़ कम किया, मैं इसको जस्ट रखता हूँ बिल्कुल यहीं पे। ठीक, ये इस फेस को निकाल रहा हूँ मैं। ठीक, मे बी इसको थोड़ा बीच में रखता हूँ मैं, और थोड़ा सा आगे निकालता हूँ इतना। ठीक, और मैं इस फेस को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। मे बी मैं थोड़ा बाहर निकाल के इसको थोड़ा अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये शेप, उसको थोड़ा मूव करते हैं इधर की साइड। इसके बाद ये वाला क्यूब बनाते हैं, तो जस्ट क्या करता हूँ कि इस फेस को मैंने एक बार फिर कॉपी कर लेता हूँ, मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको क्यूब किया दोबारा। ठीक है, और मे बी ये थोड़ा कुछ ऐसे हो रहा था यहाँ से पतला, तो जस्ट मैंने इन दोनों को पकड़ा, मूव किया। ठीक, इन दोनों को पकड़ के मैंने स्केल किया कुछ इस तरह, काफ़ी कम है, और मैंने इसमें थिकनेस दी। ठीक, मे बी इतनी। ठीक है, ये जिस इसके ऊपर आ रही है, तो मैं इसको पकड़ के क्या करता हूँ, मूव करता हूँ थोड़ा अंदर की साइड। ठीक, फोकस किया इसको जस्ट थोड़ा आगे, थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, और ये थोड़ा इससे बाहर निकल रहा है कुछ इस तरह। ओके, अच्छा ऊपर से सीधा है, और ये हमारा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि
जस्ट इस फेस को एजेस को पकड़ा मैंने और स्नैप किया इससे, और इसको मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, कुछ ऐसी शेप है वो, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, मे बी कुछ इतना, ठीक है। और थोड़ा बाहर निकालते हैं, और इसका जो साइज है वो थोड़ा कम है, मे बी इतना होगा, ठीक। और इसको थोड़ा मैं अंदर करता हूँ और इस फेस को पकड़ के बाहर निकालता हूँ, ठीक है। इसको आइसोलेट करते हैं और इस फेस को पकड़ के आगे निकल गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बाहर निकला बना। इसके बाद फिर अगर हम देखें यहाँ पे, फिर इसके बाद एक क्यूब है, ठीक है। अब आप ये वाला क्यूब या तो आप इसमें से एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्यूब बना देते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जैसे ये वाला क्यूब हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं शेप को निकालता हूँ एक्सट्रूड करके। तो इस शेप को मैं कैसे निकालूंगा कि मैंने ये यहाँ पे क्रिएट पे आया, और मैं यहाँ पे पॉलीगन प्रिमिटिव्स में आता हूँ, और मैं यहाँ से लेता हूँ एक पाइप, ठीक। इसको मैंने मूव किया यहाँ पे, ठीक। और थिकनेस इसकी मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी कम, थिकनेस 0.5 या 0.25 कर लेता हूँ इसके जैसे आदि, ये ठीक। और सेगमेंट मैं लेता हूँ मे बी 10 मिका हो जाना चाहिए हमारा, और इसको मैं कर लेता हूँ हाफ, ठीक। और इन दोनों को कर लेता हूँ ब्रिज, इन दोनों को भी ब्रिज, ठीक। तो थोड़ा स्किल करता हूँ, ठीक है। ओके, गलती हो गई कि ये इसके पेपर थोड़े ख़राब हो रखे हैं, तो कंट्रोल जेड टॉप व्यू में आता हूँ बिल्कुल, इसको पकड़ा मैंने, ठीक। मैं भी इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह से, इन फेसेस को डिलीट किया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है कि इसका जो पेपर है ना वो थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो ये दिक्कत कर सकता है। चलो खैर, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन दोनों को ब्रीच किया मैंने, इसको भी पकड़ के मैंने ब्रीच किया, और इसको पकड़ के मैंने स्केल किया थोड़ा कुछ, ताकि इसकी थिकनेस ज़्यादा है मैंने कम की, ठीक है। अब मुझे ये वाला कर्व तो मिल गया मुझे पॉइंट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इस फेसेस को पकड़ के, दोनों को पकड़ के मैंने स्केल किया। अब देखो यहाँ पे स्केल करूँगा ना, तो कुछ ऐसे स्केल एक्सट्रूड कर लेते हैं, फिलहाल ये सीधा जाएगा, ठीक है, जस्ट कुछ इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली शेप आ गई, ठीक। अब यहाँ से हमें ये देखना है ये कैसे बनाएंगे। तो मैं जस्ट टॉप व्यू पे आता हूँ बिल्कुल, ठीक है। और इस शेप को पकड़ के, अब पिवट थोड़ा ख़राब हो रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस करता हूँ और सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, और टूल को रिसेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सीधा हो गया, तो मैं जस्ट इसको अलाइन करता हूँ मे बी इससे, और इसको भी अलाइन करता हूँ इससे, और इन तीनों को सीधा लेके आता हूँ, और इसको अलाइन करते हैं इससे, इसको अलाइन करते हैं हम इससे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली शेप भी आ गई, ये वाली, ठीक है, फाइन। मे बी शायद यहाँ पे मल्टी कट डाला मैंने, ठीक। मुझे लग रहा है कि ये वाली शेप थोड़ी सही नहीं है हमारी। तो क्या करता हूँ कि मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पर डाला कनेक्ट, और इसको पकड़ के मैंने किया पैवे, ठीक। इसको पकड़ के मैंने बी प्रेस किया और असाइन किया इससे, इसको पकड़ के मैंने बी प्रेस किया, असाइन किया इससे, ठीक है। और अभी फिलहाल क्या करता हूँ, सब वर्टिसेस को, ठीक, मैंने किया मर्ज, ठीक है। तो ये भी हो गई, ठीक। और जस्ट इन दोनों डिलीट किया, तो कुछ ऐसी शेप हमारे पास आई है, ठीक है। तो जस्ट डिलीट ही करता हूँ इनको भी फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैंने एक कैश डाला कनेक्ट करके, ठीक। और जस्ट इस वर्टिसेस को मैंने अलाइन किया इससे, इसको किया इससे, और इन फेसेस को करता हूँ डिलीट वाले को, ठीक। और इनको ब्रीच कर लेते हैं, ठीक। मेरा तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक, जैसे आपको सही लगे आप वैसे, ठीक है। अब जो स्केल टूल है थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो मैंने जैसे स्केल को रीसेट किया, ठीक है, अभी सही नहीं हुआ। तो क्या करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह कंपोनेंट, ठीक, मे बी अभी थोड़ा ख़राब है, और मैं ऑब्जेक्ट अब भी फाइल पे आते हैं, अब सही है, ठीक है। इसको पकड़ के मैंने स्केल किया, ठीक। और इन फेसेस को पकड़ के फिर दोबारा थोड़ा सा हम स्केल करते हैं, ठीक है। तो ये शेप हमारे पास मिल गई है, इसको थोड़ा सीधा मैं रोटेट कर लेता हूँ मे बी, ठीक है, इस वाले एंगल को 90 करता हूँ, ठीक है।
और इस वाले एंगल को ठीक है, अब यहाँ पे रोटेशन भी मुझे सही करना पड़ेगा। तो मैं रोटेट पाया और मैं यहाँ पे रीसेट टूल, तो यहाँ पे वर्ल्ड कर लेता हूँ ठीक, और इसको मैं रोटेट करता हूँ मे बी। अब देखते हैं ज़रा, अभी यहाँ पे तीनों एक्सेस हमारे हिल रहे हैं एक्स वाई जेड, तो मुझे सिर्फ एक एक्सेस पे काम करना है ना। तो मैं यहाँ पे दोबारा रोटेशन पे आता हूँ और देखते हैं कि कौन सा एक्सेस है। रीसेट टूल, फाइंड कंपोनेंट्स पे आते हैं, नहीं वर्ल्ड पे, वर्ल्ड पे सही है ठीक। ई प्रेस किया और रोटेट तो एक एंगल होना चाहिए, तो फिलहाल सारे हो रहे हैं। इसको 90 एक बार करके देखते हैं कुछ ऐसा होगा ठीक। तभी पिवट की दिक्कत है ना, शुरू में सही कर लेनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा था, वरना ये दिक्कत करता है बाद में। चलो थोड़ा स्केल कर लेते हैं अभी, इसको सही करेंगे। सही कैसे कर सकते हैं ठीक, मैं किया और इसको रोटेट करता हूँ मैं दोबारा, सही काम कर रहा है। तो मैं वाई एंगल पे 90 किया ठीक, और ये हमारा जो गेट है वो मे बी लगेगा यहाँ पे जाके ठीक है। अब थोड़ा इसको इसके हिसाब से चेंज करेंगे, थोड़ा साइज़ मैंने कम किया, इसको मैंने मूव किया कुछ इस जगह ठीक। थोड़ा स्केल करता हूँ, थोड़ा सा और स्केल करता हूँ इसको ठीक, और इसको रखा मैंने इसके नीचे ठीक। ये यहाँ तक आएगा इन दोनों के बीच ठीक है, और जस्ट इन दोनों वर्टिसेस को पकड़ के मैंने किया है नीचे ठीक है। फाइन, थोड़ा बाहर रखा है, मे बी इसने बाहर रखा है क्या ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे स्केयर्स आएगा ठीक है। इतना मैंने किया, अब क्या करता हूँ कि इन सब फेसेस को पकड़ के मे बी ठीक है, इसको पकड़ के मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, और इन सब फेसेस को पकड़ के मैं करूँगा एक्सट्रूड फेस। एक्सट्रूड करूँगा तो ये दिक्कत आएगी वाली, तो मैं थिकनेस देता हूँ ठीक है, अब बिल्कुल सही है ठीक। और मैं दोबारा डेस्कटॉप पे आता हूँ, आइसोलेट बंद करता हूँ ठीक है। मे बी कितनी करनी है, मे बी यहाँ तक कर लेते हैं थिकनेस थोड़ी ठीक है इतनी। इसको थोड़ा नीचे मूव करते हैं ठीक है, इतना गैप यहाँ पे, इतना गैप यहाँ पे ठीक है। अब एक चीज़ और, इसके बाद यहाँ पे एक एच डाल रखा है और ये फेस हमने बाहर निकाल रखा है। तो इसके बाद क्या करूँगा कि मैं इन सब फेसेस को पकड़ूँगा ठीक है, और शिफ्ट के साथ मैं थोड़ी करूँगा बाहर की साइड ठीक ठीक है। अब देखते हैं, मे बी शायद यहाँ से थोड़ा मामला ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये पीछे वाले फेस भी निकाल रहे हैं, तो इनको करते हैं डी सेलेक्ट। फाइन, उसमें छोड़ किया ठीक, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें आ चुकी हैं अगर हम रेफरेंस में देखें ठीक। बस ये थोड़ा यहाँ से नीचे है ठीक। अब नीचे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको सेपरेट कर दो ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे मैं कैसे करूँगा, इस शेप को पकड़ के मैंने ठीक है, ये पीछे तक लूप बन रहा है भी इस वजह से, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए ठीक है। तो मैं इस शेप को, मैं आता हूँ यहाँ पे टॉप व्यू में और मैं इस शेप को करता हूँ डिटैच, यानी एक्सट्रैक्ट पे आया और ये शेप मैंने सेपरेट कर लिया अलग ठीक है। इसको मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से ठीक, और इसको पकड़ के मैं ब्रिज कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, कर लेता हूँ। तरीके थे काफ़ी ब्रिज से बचने के लिए ठीक है। तो ये मैंने ब्रिज किया ठीक है, और हमारे पास एक ये वाली शेप भी सेपरेट आ गई ये ठीक है। और ये थोड़ा नीचे है तो अब इसको नीचे कर लेंगे, वरना अगर ब्रिज नहीं करता तो तब थोड़ी दिक्कत आती। इसको पकड़ के मैंने थोड़ा नीचे किया, बेसिकली इसको इस एजेस को निकाल लेते हैं कि इनकी ज़रूरत अब है नहीं, और इस पकड़ के मैंने नीचे किया ठीक, मैंने आइसोलेट किया, तो हमारे पास ये शेप आ गई ठीक। और इस सब को पकड़ के थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, सेंटर पे वेट किया ठीक, और थोड़ा नीचे करते हैं ताकि मुझे ये वाली जो शेप है ऊपर वाली ये भी दिखाई दे। इस सबको पकड़ के मैंने थोड़ा नीचे किया मे बी इतना ठीक, और ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके कहाँ मिल रहा है, दोनों को मैंने वो किसी पकड़ी है मैंने, और इन सबको पकड़ के मैंने किया थोड़ा ऊपर यहाँ तक, और इसी तरह मैंने इसके फेस को पकड़ के
वर्टेक्स को पकड़ के मूव किया है यहाँ तक, ठीक। और इसको पकड़ के थोड़ा बाहर निकाल रहा था कुछ ऐसे, और ये जो फेस है इसको पकड़ के थोड़ा अंदर, ठीक फाइन। मेरे ख्याल से इसको भी हम यहीं पर रहने देते हैं, तो मैंने सेव किया, वरना वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी।